नमस्कार और ऑपेरिनिस्टिक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके के इस कड़ी में आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश के डिविजन्स के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक संभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic को भी कृपया लाइक जरूर करिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रशासनिक संभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, 10 संभाग हैं। एक एक करके हम लोग प्रत्येक संभाग के बारे में जानेंगे कि उसमें कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं और उनका मुख्यालय कहां पर है। तो सबसे पहले भोपाल संभाग, भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल में ही है। इसमें कुल 5 ज़िले पड़ते हैं, 5 ज़िले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। तो 5 ज़िले जो भोपाल संभाग के अंदर आते हैं वो हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। दूसरा संभाग है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग जो है वो मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है। इसका मुख्यालय मुरैना में है। इसमें कुल 3 ज़िले आते हैं, मुरैना, श्योपुर और भिंड। तो मुरैना, श्योपुर और भिंड ये तीनों मिलके चंबल संभाग बनाते हैं जिसका मुख्यालय मुरैना में है। फिर आता है ग्वालियर संभाग जिसका मुख्यालय है ग्वालियर में। इसमें 5 ज़िले आते हैं, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और गुना। तो ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और गुना ये 5 ज़िले मिलकर ग्वालियर संभाग बनता है जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है। इंदौर संभाग, इंदौर संभाग का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। इसमें कुल 8 ज़िले आते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा और खरगोन। तो काफ़ी अधिक संख्या में ज़िले हैं, इसमें टोटल 8 ज़िले हैं और ये 8 ज़िले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा और खरगोन। मुख्यालय इंदौर में है। फिर आता है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है। इसमें भी कुल 8 ज़िले हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी और सिवनी। तो जैसे इंदौर संभाग में 8 ज़िले हैं वैसे ही जबलपुर संभाग में भी 8 ज़िले हैं और जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है। नर्मदापुरम संभाग, इसमें 3 ज़िले आते हैं, मुख्यालय बैतूल में है। तो 3 ज़िले कौन कौन से हैं नर्मदापुर संभाग में, नर्मदापुरम संभाग में? बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। फिर आता है रीवा संभाग। रीवा संभाग का मुख्यालय जो है वो रीवा में है। इसमें 4 ज़िले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो ये 4 ज़िले रीवा संभाग में आते हैं, मुख्यालय रीवा में है। फिर है सागर संभाग। सागर संभाग का मुख्यालय सागर में है। इसमें 6 ज़िले हैं, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये टीकमगढ़ से कट के एक नया ज़िला निकला है निवाड़ी और इस प्रकार से सागर संभाग में अब टोटल 6 ज़िले हो गए हैं, पहले 5 ज़िले हुआ करते थे। तो ये निवाड़ी जो नया ज़िला है, जो नवीनतम ज़िला है मध्य प्रदेश का, वो टीकमगढ़ से कटकर अलग हुआ है। शहडोल संभाग फिर आता है। शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में है। इसमें कुल 3 ज़िले हैं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, और मुख्यालय है शहडोल। आखिर में आता है उज्जैन संभाग जिसका मुख्यालय उज्जैन में है। इसमें कुल 7 ज़िले हैं, आगरमालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन। तो ये 7 ज़िले हैं जो कि उज्जैन संभाग में हैं और उज्जैन संभाग का मुख्यालय जो है वो उज्जैन में स्थित है। अब थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं इन 10 संभागों के बारे में। सर्वाधिक ज़िलों वाले संभाग, इसमें 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 8 ज़िले हैं। ये 2 ज़िले कौन से हैं? इंदौर और जबलपुर। तो ये दोनों ज़िले सर्वाधिक ज़िलों वाले संभाग हैं। न्यूनतम ज़िलों वाले संभाग, 3 ज़िले, 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें 3-3 ज़िले हैं। तो ये कौन कौन से हैं? चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। तो ये तीनों ज़िले न्यूनतम ज़िलों वाले संभाग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है चंबल। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जबलपुर है, सबसे छोटा चंबल है।
और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी सबसे बड़ा संभाग जबलपुर ही है, और सबसे छोटा संभाग यहाँ पर लेकिन नर्मदापुरम हो जाता है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग चंबल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। तो ये था मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको कुछ आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आपके कोई डाउट्स हों या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक बार फिर से। नमस्कार।